आज हम बनाएंगे कटहल की सब्जी बहुत ही सिंपल तरीके से और उबाल के। आज हम फ्राई करके नहीं बनाएंगे और बहुत झटपट बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कटहल की सब्जी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई गैस पर बैठा है और उसमें कटहल डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब एक चम्मच के करीब तेल डालेंगे और चलाएंगे, चला के ढक देंगे, ढक के उबाल आने देंगे। अब कटहल उबाल चुका है, अब पानी से सारे कटहल निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर से कढ़ाई बैठाएंगे और उसमें तेल डालेंगे। कटहल बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे, दो तेज़पत्ता, दो इलायची, दो लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा और इसे चलाएंगे। अब इसमें दो कटे हुए प्याज डालेंगे और भूनेंगे। अब प्याज भून चुका है, इसमें कटे हुए एक टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा ढक देंगे। अब फिर से चलाएंगे। अब प्याज भून चुका है, अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डाल के मिलाएंगे। अब इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे एक चम्मच के करीब। फिर से चलाएंगे। अब इसमें लहसुन, प्याज, मिर्चा, जीरा का पेस्ट डालेंगे और भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि किनारों से तेल ना छोड़ दे। अब कटहल डालेंगे, इनको भी अच्छे से मिलाएंगे। अब ढक देंगे, फिर से चलाएंगे। अब अच्छे से भून चुका, अब इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ा अदरक, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च। फिर से मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के चलाएंगे, फिर से ढक देंगे। इसमें और थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। अब इनको ढक देंगे। ये अच्छे से पक चुका है, अब इसे सर्व करेंगे। अब हमारा कटहल की सब्जी तैयार है।